तो फाइनली गाइस ऐड कर दिया गया हमारी गेम में न्यू स्पाइडर को, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। और आज का इसका न्यू अपडेट और यहाँ पे मिल चुका है इसका न्यू चीट कोड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका चीट कोड बताने वाला हूँ। साथ ही में यहाँ पे ऐड कर दिया गया न्यू टेम्पू को, जो कि दिखने में काफी अच्छा, और इसका न्यू अपडेट का चीट कोड भी मुझे मिल चुका है, जो कि आप सभी काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे। और इसका न्यू अपडेट कब तक आने वाला है वो भी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे इंडियन बाइट एमसीडी के न्यू अपडेट में एंडेवर कार को ऐड किया गया, उसका चीट कोड क्या होने वाला है, उसका न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिलने वाला है। साथ ही में ये चलाने में भी भाई काफी ज्यादा अच्छी है। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे इंडियन बाइट एमसीडी के न्यू अपडेट में और कौन कौन से आपको न्यू अपडेट देखने को मिलने वाले, यानी कि बस का अपडेट का क्या चीट कोड होने वाला, साथ में जो हमारा न्यू कार शोरूम है उसका अपडेट कब तक आने वाला, उसका क्या चीट कोड होने वाला, आप स्पाइडर को कैसे ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे ऐड कर दिया गया हमारी गेम में न्यू स्पाइडर को, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनका क्या चीट कोड होने वाला, आपसे भी काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देख लो कि भाई कितने सारे यहाँ पे स्पाइडर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जो कि दिखने में भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस वीडियो में आप सभी को दिखा देता हूँ कि ये कितने ज्यादा जंप भी लगाते हैं, ये काफी हाई जंप भी लगाते हैं, और ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और भाई ये काफी ज्यादा मेरे को डैमेज भी दे रहे हैं, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तो इनका चीट कोड क्या होने वाला है ये मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें मारना चाहते हो तो इनके लिए भाई आपको आरपीजी का यूज करना होगा। अगर यहाँ पे इन्हें AK-47 या फिर और किसी गन से मारोगे तो यहाँ पे ये नहीं मरने वाले, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा है और यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनको स्पॉन करवाना चाहते हो तो इसका क्या चीट कोड है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पीछे यहाँ पे स्पाइडरमैन मतलब कि स्पाइडर लग जाते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, किसी भी कार के अंदर जाके बैठ जाना होगा। सिंपली यहाँ पे जाओ, किसी भी कार के अंदर बैठ जाओ। अगर आप कार के अंदर बैठ जाओगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो भाई मैंने जैसी कार के अंदर जाके बैठा तो यहाँ पे स्पाइडर मेरा भाई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, मेरे पीछे पड़ गए। भाई काफी ज्यादा खतरनाक है, इनके नाखून देखो तो भाई कितने बड़े बड़े, और इनके ये भाई चीट कोड भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि पहले मैं अपने घर के पास में चला जाता था, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा मेरे ऊपर आ गए। अगर इन्हें आप मारना चाहते हो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको आरपीजी गन लेनी होगी, उससे एक साथ में आप इन सारे के सारे को यहाँ पे मार सकते हो। भाई देखो ये कितने हाई जंप लगा रहे हैं और ये भाई कितने ऊंची ऊंची उछल के मेरे पास में आ रहे, भाई काफी डर भी लग रहा है। तो यहाँ पे इनको करना क्या होगा, अगर आप AK-47 से मारोगे तो भाई ये काफी टाइम लगा देंगे, बस आपको यहाँ पे आरपीजी को लेके इन सभी को एक साथ शूट कर देना होगा। भाई यार ये सारे के सारे एक साथ मर जाएंगे, जो कि काफी ईजी होगा, नहीं तो अगर आप इन्हें धीरे धीरे मारोगे तो आपका खेल खत्म कर देंगे। तो देखो भाई मैंने यहाँ पे इनको काफी सारों को यहाँ पे मार दिया, भाई काफी सारे यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप इन सभी को कैसे ले सकते हो वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि इनका क्या चीट कोड होने वाला है। तो गाइस यार इनका चीट कोड यहाँ पे शायद यहाँ पे 505 होने वाला है। जैसे ही चीट कोड आप अपनी गेम में डायल करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारी स्पाइडर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके ऊपर अटैक करने वाले। अगर आपको इनको डिस्पोन करना होगा तो यहाँ पे आपको 505 दोबारा से डायल कर देना होगा। तो चलिए गाइस यार बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में, जो कि हमारा टेम्पो का चीट कोड है। भाई टेम्पो देखने में काफी ज्यादा अच्छा, अगर आप इसे टेम्पो या फिर रिक्शा कुछ भी बोल सकते हो, तो यार ये भी दिखने में काफी अच्छा। भाई काफी ज्यादा लोग डिमांड करते हैं कि भाई इसका क्या चीट कोड, इसका न्यू अपडेट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। सो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीट कोड बता देता हूँ। तो सबसे पहले चीट कोड है 3005। जैसे ही आप डायल करोगे तो आप सभी को हमारी यहाँ पे न्यू स्पॉन GTR कार देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट चीट कोड यहाँ पे 400। जैसे यहाँ पे डायल करोगे तो आपको यहाँ पे ZX10R बाइक देखने को मिल जाएगी। वहीं पे नेक्स्ट चीट कोड गाइस ये है हमारा, वो आपको 800 डायल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको बुगाटी कार देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर बात करें नेक्स्ट चीट कोड की तो वो है 6677। जैसे डायल करोगे सो यहाँ पे आप सभी को हमारी न्यू जैसे भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में तो नेक्स्ट चीट कोड है यहाँ पे आप सभी के सामने 9991। जैसे यहाँ पे 9191 डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे हमारी ओल्ड वाली थार, जो कि आप सभी की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थी, वो वाली कार आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर वहीं पर बात करें हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में तो नेक्स्ट चीट कोड आप सभी को देखने को मिल वाला है, वो है हमारी यहाँ पे न्यू कार जो कि 880 है। जैसे यहाँ पे डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे हैमर वाली कार देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करें नेक्स्ट चीट कोड की, वो है 320। जैसे यहाँ पे आप डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे हमारे जेट पैड देखने को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट चीट कोड की, वो है 6021। जैसे डायल करोगे तो आप सभी को स्प्लेंडर बाइक देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए हमारे नेक्स्ट चीट कोड की तो आप सभी काफी ज्यादा डिमांड करते कि हमारे इंडियन बाइट एमसीडी के न्यू अपडेट में जो टेम्पो है उसका क्या चीट कोड है। सो उसका चीट कोड बताऊं उससे पहले गाइस यहां पे मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि यहां पे आप सभी के लिए मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि हमारा जो न्यू टेम्पो है उसका क्या चीट कोड होने वाला है, उसका न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिलने वाला है। सो अगर गाइस यार बात की जाए कि टेम्पो का क्या चीट कोड होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसका चीट कोड होने वाला है 8789। क्योंकि अगर आपने कभी भी अपने व्हीकल्स के ऊपर देखा होगा तो वहां पे उनके ऊपर कोई भी नंबर प्लेट पे कोई भी नंबर नहीं थे, बट आपके पास जो ये टेम्पो ऐड किया गया इसके ऊपर अगर आपकी नंबर प्लेट चेक करोगे तो उसमें ऊपर आपको 8789 यहाँ पे इसका चीट कोड देखने को मिलता है।
तो हो सकता है कि यार हमारे इंडियन वाइड अमेरिकन न्यू अपडेट में आप सभी को इसका यही चीट कोड देखने को मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में, जो कि हमारी इंडियोवर कार का चीट कोड होने वाला है। तो गाइस अगर बात की जाए कि हमारे इंडियोवर कार का क्या चीट कोड होने वाला है, तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे इंडियोवर कार का वही चीट कोड होने वाला है जो कि ओल्ड है, क्योंकि यार उसकी जगह उसे रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि हमारा न्यू मॉडल ऐड किया गया उसी को उसकी जगह यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो वहाँ पे आप इसे इजीली ले सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे आपको कोई डिफरेंट यहाँ पे चीट कोड नहीं देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई यार ये कार का ऑलरेडी यहाँ पे इसका ओल्ड वर्जन था, तो उसकी जगह इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू वर्जन के साथ में, न्यू मॉडल के साथ में। तो वो आप सभी को उसी का वो सेम वाला चीट कोड देखने को मिलने वाला है, इसके लिए आपको कोई भी डिफरेंट यहाँ पे चीट कोड देखने को नहीं मिलने वाला। अगर यहीं पर बात की जाएगी गाइस यार हमारे इंडियन वाइड एमडी के न्यू अपडेट में जो न्यू कार शोरूम ऐड किया जाने वाला है उसका क्या चीट कोड है, तो उसका भी चीट कोड मैं आप सभी को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लो कि भाई आप अपने अपनी इंडियोवर कार को किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो, ब्लू, रेड या फिर व्हाइट या फिर आरजीबी, जैसे भी कलर आप चाहो यहाँ पे अपनी कार को उसी कलर में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। आपको अगर ब्लैक अच्छा लगता है तो यहाँ पे अपनी कार को ब्लैक में चेंज कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, कि आप सभी काफी ज्यादा डिमांड करते हैं कि भाई हमारे इंडियन वाइड एमडी का न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार अगर आप सभी काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो भाई मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप अपने इंडियन वाइड एमडी में न्यू मेगा रैम चैलेंज को लेना चाहते हो, जो कि एक न्यू चैलेंज होने वाले जिसमें कि आप सभी को और भी काफी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलने वाले हैं, सो अगर वो आपको वो अपडेट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो, और यहाँ पे मेरे को कमेंट भी कर देना कि अगर आपको जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, ताकि मैं रोहित भाई को बताऊं और वहां पे वो जल्दी जल्दी हमारे गेम का अपडेट लेके आए। तो चलो मैं आपको इसके ऑफिशियल डेट बता देता हूं कि हमारे जो न्यू अपडेट है उसकी डेट आप सभी को कब तक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर गाइस यार बात कीजिए कि हमारे इंडियन वाइड एमडी का न्यू अपडेट आप सभी को कब तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन यार गाइस यार उससे पहले मैं आप सभी को हमारी इंडियन वाइड एमडी कुछ धमाकेदार और चीट कोड बता देता हूं। तो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है 8123, जैसे ही आप डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे हमारी मस्टैंग कार देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर बात की हमारे नेक्स्ट चीट कोड की वो 8811, जैसे यहाँ पे डायल करोगे तो आप सभी को हमारी न्यू फरारी देखने को मिल जाएगी, जो कि दिखने में भाई काफी अच्छी है, और ये लेने के बाद में तो भाई आपको काफी ज्यादा चलाने में मजा भी आने वाला है। अगर वहीं पे बात की जाए हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में, तो गाइस यार हमारा नेक्स्ट चीट कोड होने वाला 1001, जैसे ही डायल करोगे तो आप सभी को हमारी यहाँ पे न्यू कार देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सभी काफी ज्यादा फेवरेट है, जो कि हमारी कौन सी कार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जाके बताओ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक न्यू चीट कोड बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे 2020 है, जैसे ही आप सभी डायल करोगे तो आप सभी को यहाँ पे हमारी एंडोवर ओल्ड वाली कार देखने को मिल जाएगी, और इसी की जगह पे हमारी न्यू कार को भी रिप्लेस किया जाने वाला है हमारे न्यू अपडेट में। अगर यहाँ पे अगर आप अपनी कार का कलर चेंज करते हो तो भाई दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, रेड कलर भी इस पर काफी अच्छा लग रहा है, आपका जो फेवरेट है वो आप कर सकते हो। अगर वहीं पर बात कीजिए हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में, तो नेक्स्ट चीट कोड यहाँ पे निकल के आता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है आप सभी में, तो वो है हमारा नेक्स्ट चीट कोड आप सभी को देखने को मिलने 1001। जैसे यहाँ पे अगर आप 1001 को डायल करोगे तो आप सभी को हमारी न्यू फॉर्च्यून लेजेंडर कार देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि काफी दिखने में काफी अच्छी है, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो जैसे भी आप करना चाहो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में। तो अगर गाइस यार आप सभी काफी सारे कमेंट करते हैं कि भाई हमारे न्यू अपडेट में बस का क्या चीट कोड होने वाला है, उसे हम कैसे ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे न्यू बस का क्या चीट कोड है। ऑलरेडी मैंने आप सभी को हमारे न्यू टेम्पो का चीट कोड बता दिया, यहाँ पे स्पाइडर का भी चीट कोड बता दिया 505, जैसे डायल करोगे तो आप सभी उसे स्पॉन करवा सकते हो और उसके बाद में उसे डी स्पॉन भी करवा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हमारी बस के चीट कोड के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो कि हमारा इंडियन वाइड एमडी में ओल्ड ट्रक था जिसके पीछे आपको ट्रॉली नहीं देखने को मिलती, तो यार उसी की जगह पे हमारे न्यू बस को रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि यार इस ट्रक का यूज ना भाई कोई नहीं करता और ये भाई फालतू में ही पड़ा है, तो इसको भाई इसकी जगह रिप्लेस करके हमारे गेम में न्यू बस को ऐड किया जाएगा। सो उसका भी चीट कोड यही होने वाला है 1212, शायद यही चीट कोड होने वाला है, और देखेंगे अगर न्यू अपडेट में जैसे पता चलेगा मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी तक तो यही पता चला है कि हमारे जो न्यू अपडेट आने वाला है ना उसमें इसी की जगह पर हमारी न्यू बस को रिप्लेस किया जाएगा, और मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते कि भाई हमारे इंडियन वाइड एमडी में कार शोरूम कब तक आएगा। तो मैं आपको उससे पहले यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि जो हमारा ट्रॉली वाला ट्रक है ना, अगर आप उसे स्पॉन करना चाहते हो तो उसके लिए 0 1 2 1 2 डायल करोगे तो आप सभी इसे स्पॉन करवा सकते हो। तो भाई यार ऑलरेडी हमारे गेम में एक ट्रक है, तो भाई दो दो ट्रक का कोई फायदा नहीं है, तो उसी के लिए उसकी जगह हमारी बस को चेंज किया जाएगा। अगर वहीं पर बात की जाए कि हमारी इंडियन वाइड एमडी में आप सभी को कार शोरूम का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे इंडियन वाइड एमडी में फाइनली यहाँ पे न्यू कार शोरूम का यहाँ पे मॉडल ऐड कर दिया गया है, जो कि अभी भाई पेंडिंग में चल रहा है, बस उस पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है,
वजह से उसके भाई पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, उसका पूरा मॉडल ऑलरेडी रेडी है, उसमें बस यहाँ पे थोड़ी सी भाई एडिटिंग मतलब कि टेक्सचर या फिर और का जो छोटा मोटे काम है वो जैसे उसके कंप्लीट हो गए, उसकी मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में वो हमारी गेम में ऐड कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए कि वो भाई कहाँ पे ऐड किया जाएगा तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जहाँ पे हमारा ओल्ड कार शोरूम था उसी की जगह पे वहाँ पे साइड में आपको हमारा न्यू शोरूम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप सभी को काफ़ी अच्छी बिल्डिंग देखने को मिलने वाली जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रही है। भाई काफ़ी अच्छी स्क्रीन मतलब कि काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है जो कि आप सभी की काफ़ी फेवरेट है। अगर गाइस यार बात कीजिए कि और हमारे इंडियन मैडम 3D में कौन कौन से अपडेट आने वाले, तो मैं आप सभी को एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे इंडियन मैडम 3D के न्यू अपडेट में आपको न्यू स्पाइडर देखने को मिलने वाला है जिनका चीट कोड है 505। जैसे उन्हें डायल करके आप वहाँ पे स्पॉन करवा सकते हो। और दूसरा है हमारे यहाँ पे टेम्पू का अपडेट जिसके लिए आपको 8789 यहाँ पे इसका चीट कोड होने वाला है। साथ ही में अगर बात की जाए हमारे नेक्स्ट चीट कोड के बारे में तो गाइस यार हमारी न्यू एंडेवर कार को भी ऐड किया जाएगा जिसका चीट कोड यहाँ पे 2020 आप सभी को देखने को मिलेगा। वही अगर बात कीजिए कि हमारी जो न्यू बस ऐड की जाएगी तो उसका क्या चीट कोड होने वाला है, सो न्यू बस का चीट कोड यहाँ पे अभी भाई कन्फर्म नहीं है, बट यहाँ पे वहाँ पे 1212 यानी कि हमारे भाई ओल्ड ट्रक की जगह पर हमारी न्यू बस को ऐड किया जाएगा। अगर बात कीजिए हमारी न्यू एरोप्लेन की तो आपसे भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे जो कि बिग वाली एरोप्लेन है उसे हम कैसे उठा सकते हैं, सो हो सकता है कि हमारी न्यू अपडेट में यहाँ पे रोहित गेमिंग स्टूडियो यहाँ पे जो हमारी बिग वाली एरोप्लेन है उसे उड़ा सके और यहाँ पे उसका कोई न्यू चीट कोड आ जाए। तो हो सकता है कि अभी उसका 50-50 चांस अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ कि यार ये 100% आएगा या फिर नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी 50-50 चांस है कि हो सकता है कि हमारे न्यू अपडेट में ये आप बिग वाली एरोप्लेन को उड़ा सके। सो आई होप गाइस आप सभी को आप हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप ऐसी वीडियो सबसे पहले चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना। मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।